और बड़ी खबर मिल रही है, अतीक अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। अभी तक कोर्ट की ओर से अतीक को परमिशन नहीं मिली है। कानूनी कार्रवाई आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आज छुट्टी की वजह से कोर्ट बंद है। जानकारी के मुताबिक अतीक पूरी रात सदमे में था और रात भर रोता रहा, तो अतीक को परमिशन नहीं मिली है। वो अपने बेटे के जनाजे में जाना चाहता था लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। बता दें कि कोर्ट आज बंद है छुट्टी की वजह से, और ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि अतीक पूरी रात सदमे में था और रात भर रोता रहा है। वहीं अभी तक असद और गुलाम में से किसी के भी परिवार ने शव लेने के लिए झांसी पुलिस को संपर्क नहीं किया है। जानकारी मिल पा रही है कि असद के नाना और मौसा उसके शव लेने के लिए झांसी आ सकते हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी झांसी पुलिस से संपर्क नहीं किया है। ऐसे में कल जिस तरीके से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया था, क्योंकि लगातार हत्याकांड के बाद से फरार ये दोनों चल रहे थे और 5 लाख का इनाम इन पर रखा गया था। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस से अपने 3 मिग विमान यूक्रेन भेजे हैं जो किंजल मिसाइलें लेकर यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने ऐसा कदम उसके हवाई हमलों से बचने के लिए उठाया और अपने बचाव के लिए बेलारूस का इस्तेमाल किया, जहां से उसने अपने 3 मिग विमान कीव रवाना किए, जो खाली नहीं आ रहे बल्कि अपने साथ किंजल मिसाइलें लेकर आ रहे हैं। यानी रूस के मिग विमान वो मिसाइलें ला रहे हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी अगर किंजल मिसाइल चली तो पूरा का पूरा यूक्रेन उड़ाया जा सकता है। हालांकि यूक्रेन में किसी तरह का एयर सायरन सुनाई नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के होश उड़े हुए हैं। उसने दुनिया के सामने अपना डर दिखा भी दिया, क्योंकि अगर उसका दावा सही है तो फिर तो कीव पर परमाणु हमला हो सकता है। अतीक अहमद और अशरफ को मेशपाल हत्याकांड में कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। प्रयागराज की CGM कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में मौजूद रहा, जहां पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की बात अपनी रिमांड कॉपी के साथ कोर्ट के सामने रखी, जिसके बाद अतीक और अशरफ को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब अतीक और अशरफ 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है, अतीक के घर पर असद के जनाजे की तैयारी हो रही है। आज असद का शव प्रयागराज लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक असद के नाना और मौसा उसका शव ले सकते हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने झांसी पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है। रात करीब 2 बजे तक असद का पोस्टमार्टम चला है, वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की हुई है और जानकारी मिल पा रही है कि असद के जनाजे की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में बोल न्यूज चैनल के आकाश राम नाम के हिंदू पत्रकार का अपहरण कर लिया गया। आकाश के परिवार का आरोप है कि कुछ लोग उसे जबरन उठाकर गाड़ी में ले गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। आरोप है कि आकाश राम के अपहरण के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उसे बोल न्यूज चैनल के बाहर अक्सर देखा गया। उनकी माँ ने रोते